हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। लीजिए, हाजिर है आपके लिए सुपर हिट बॉलीवुड मूवीज़ डीवीडी कैसेट का पार्ट नंबर 31 लेकर। चलिए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं डीवीडी की कुछ कैसेटें और ताज़ा करवाते हैं आपकी कुछ पुरानी यादें। आज की पहली डीवीडी की कैसेट है इरोस कंपनी में। इसमें पहली फिल्म है शाहरुख खान की फिल्म कोयला, दूसरी फिल्म है सलमान खान और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म वीर, और तीसरी फिल्म है सलमान खान और शाहरुख खान की बहुत ही सुपर हिट फिल्म कर्ण अर्जुन। तीनों ही फिल्में अपने समय की बहुत ही सुपर हिट फिल्में रही हैं। आगे है मोजर बेयर कंपनी में। इसमें पहली फिल्म है अर्जुन रामपाल और जावेद खान की वादा, दूसरी फिल्म है इमरान हाशमी, आफताब शिवदेसानी और इरफान खान की फिल्म फुटपाथ, और तीसरी फिल्म है जॉन अब्राहम की फिल्म करम। आगे है इरोस कंपनी में अमिताभ बच्चन जी की बहुत ही सुपरहिट फिल्म खुदा गवाह, दूसरी फिल्म है मिथुन चक्रवर्ती, सलमान खान, सनी देओल की फिल्म हीरोज, और तीसरी फिल्म है शाहरुख खान की फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आगे है मोजर बेयर कंपनी में गोविंदा की फिल्में। पहली फिल्म है खुल्लम खुल्ला प्यार करें, दूसरी फिल्म है आंटी नंबर वन और तीसरी फिल्म है बड़े मियां छोटे मियां। इसमें गोविंदा के साथ थे अमिताभ बच्चन। तीनों ही कॉमेडी फिल्में हैं ये गोविंदा जी की। आगे है इरोस कंपनी में अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्म वक्त, दूसरी फिल्म है अभिषेक बच्चन की बस इतना सा ख्वाब है, और तीसरी फिल्म है अयूब खान की फिल्म मृत्युदंड। आगे है मोजर बेयर कंपनी में संजय दत्त की फिल्में। पहली फिल्म है जीने दो। जीने दो में संजय दत्त के साथ थे जैकी श्रॉफ। बहुत ही सुपरहिट फिल्म है ये संजय दत्त जी की। दूसरी फिल्म है संजय दत्त की मेरा हक, और तीसरी फिल्म है खून का कर्ज। खून का कर्ज में संजय दत्त के साथ थे रजनीकांत, विनोद खन्ना। बहुत ही लाजवाब फिल्में हैं ये तीनों ही संजय दत्त जी की। आगे है मोजर बेयर कंपनी में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में। इसमें पहली फिल्म है हमसे है जमाना, दूसरी फिल्म है हमसे न टकराना। इसमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ थे शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, और तीसरी फिल्म है प्रतिज्ञाबद्ध। बहुत ही शानदार फिल्में हैं ये मिथुन जी की। आगे है इरोस कंपनी में ऋतिक रोशन, संजय दत्त और ऋषि कपूर की फिल्म अग्निपथ, दूसरी फिल्म है लगे रहो मुन्ना भाई। इसमें हीरो थे संजय दत्त और अरशद वारसी, और तीसरी फिल्म है ऋतिक रोशन की बहुत ही सुपरहिट फिल्म क्रिस। आगे है मोजर बेयर अमिताभ बच्चन की फिल्म नसीब। इसमें अमिताभ बच्चन के साथ थे ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा। दूसरी फिल्म है अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा की शान, और तीसरी फिल्म है ऋषि कपूर और कमल हसन की फिल्म सागर। तीनों ही सुपरहिट फिल्में हैं ये अपने समय की, और तीनों ही फिल्मों में एक से एक बढ़कर गीत हैं। आगे है मोजर बेयर कंपनी में
दिनु मौर्या की फिल्म राज एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। दूसरी फिल्म है इमरान हाशमी की मर्डर और तीसरी फिल्म है अजय देवगन की जख्म। आगे है प्रिया कंपनी में रजनीकांत और जैकी श्रॉफ की फिल्म उत्तर दक्षिण। दूसरी फिल्म है जैकी श्रॉफ और नाना पाटेकर जी की बहुत ही शानदार फिल्म अंगार। और तीसरी फिल्म है जैकी श्रॉफ की चौराहा। चौराहा फिल्म में जैकी श्रॉफ के साथ थे जितेंद्र। बहुत ही कामयाब फिल्में हैं ये जैकी श्रॉफ जी की तीनों ही। आगे है मोजर बेयर कंपनी में जैकी श्रॉफ की फिल्में। पहली फिल्म है अग्निसाक्षी। अग्निसाक्षी में जैकी श्रॉफ के साथ थे नाना पाटेकर। दूसरी फिल्म है युग पुरुष। इसमें भी जैकी श्रॉफ के साथ थे नाना पाटेकर। और तीसरी फिल्म है जैकी श्रॉफ जी की बहुत ही शानदार फिल्म गर्दिश। तीनों ही अपने समय की बहुत ही लाजवाब फिल्में रही हैं ये जैकी श्रॉफ जी की। आगे है मोजर बेयर कंपनी में अजय देवगन की फिल्में। पहली फिल्म है धनवान। दूसरी फिल्म है तेरा मेरा साथ रहे। और तीसरी फिल्म है जख्म। आगे है मोजर बेयर कंपनी में सुपर डीवीडी में राज बब्बर जी की फिल्में। पहली फिल्म है राज बब्बर की आज की आवाज़। दूसरी फिल्म है राज बब्बर जी की दहलीज। इसमें राज बब्बर के साथ थे जैकी श्रॉफ। और तीसरी फिल्म है आवाम। इसमें राज बब्बर के साथ थे राजेश खन्ना, नाना पाटेकर। तीनों ही बहुत ही यादगार फिल्में हैं ये राज बब्बर जी की। आगे है मोजर बेयर कंपनी में फिल्म एक दीवाना था। दूसरी फिल्म है रहना है तेरे दिल में। इसमें हीरो थे सैफ अली खान और आर माधवन। और तीसरी फिल्म है तुषार कपूर की मुझे कुछ कहना है। तीनों ही रोमांटिक फिल्में हैं ये। आगे है मोजर बेयर कंपनी में महमूद जी की फिल्में। पहली फिल्म है महमूद की भूत बंगला। दूसरी फिल्म है लाखों में एक। और तीसरी फिल्म है पड़ोसन। इसमें महमूद जी के साथ थे सुनील दत्त, किशोर कुमार। तीन पड़ोसन फिल्म अपने समय की बहुत ही सुपरहिट फिल्म रही है। इस फिल्म के गाने भी बहुत ही पसंद किए गए थे। आगे है मोजर बेयर कंपनी में पहली फिल्म मेरे सनम। इसमें हीरो थे विषभजीत। दूसरी फिल्म है राजेश खन्ना जी की बहुत ही सुपरहिट फिल्म महबूब की मेहंदी। और तीसरी फिल्म है शम्मी कपूर की कश्मीर की कली। आगे है मोजर बेयर कंपनी में धर्मेंद्र जी की फिल्में। पहली फिल्म है राजा जानी। दूसरी फिल्म है तुम हसीन मैं जवान। और तीसरी फिल्म है जुगनू। धर्मेंद्र जी की बहुत ही शानदार फिल्में हैं तीनों ही। आगे है रिलायंस होम एंटरटेनमेंट में इमरान हाशमी की फिल्में। पहली फिल्म है संघाई। दूसरी फिल्म है वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। इसमें इमरान हाशमी के साथ थे हीरो अजय देवगन। और तीसरी फिल्म है इमरान हाशमी की क्रूक। आगे है प्रिया कंपनी में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में। पहली है दानवीर, दूसरी है घमंडी और तीसरी है जोड़ीदार। जोड़ीदार में मिथुन चक्रवर्ती के साथ थे आदित्य पंचोली। आगे हैं मोजर बेयर कंपनी में संजय दत्त की फिल्में। पहली फिल्म है कानून अपना अपना। इसमें संजय दत्त के साथ थे दिलीप कुमार। दूसरी फिल्म है संजय दत्त की तेजा। और तीसरी फिल्म है खून का कर्ज। इसमें संजय दत्त जी के साथ थे विनोद खन्ना, रजनीकांत। तीनों ही बहुत ही शानदार फिल्में हैं ये संजय दत्त जी की। आगे है कैप्टन कंपनी में अजय देवगन और अभिषेक बच्चन की फिल्म जमीन। दूसरी फिल्म है सनी देओल जी की बहुत ही शानदार फिल्म घायल। और तीसरी फिल्म है आग का तूफान, जिसमें हीरो थे धर्मेंद्र।
आगे है मोजर बेर कंपनी में धर्मेंद्र जी की फिल्में, पहली फिल्म है नौकर बीवी का, दूसरी फिल्म है इंसानियत के मन, इसमें धर्मेंद्र के साथ थे शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, और तीसरी फिल्म है धर्मेंद्र की विरोधी, इसमें धर्मेंद्र के साथ थे सुनील दत्त, अरमान कोहली। आगे है मोजर बेर कंपनी में सुनील शेट्टी की फिल्में, पहली भाई, दूसरी फिल्म है टक्कर, और तीसरी फिल्म है गद्दार। टक्कर फिल्म में सुनील शेट्टी के साथ थे नसरुद्दीन शाह, और गद्दार फिल्म में सुनील शेट्टी के साथ थे हरीश। आगे है यश राज की फिल्में, पहली फिल्म है मेरे यार की शादी है, जिसमें हीरो थे उदय चोपड़ा, जिमी शेरगिल। दूसरी फिल्म है उदय चोपड़ा की नील एन्नी की, और तीसरी फिल्म है उदय चोपड़ा की प्यार इम्पॉसिबल। तीनों ही रोमांटिक फिल्में हैं, ये बहुत ही बढ़िया लव स्टोरी दिखाई गई है तीनों ही फिल्मों में। आगे है इरोस कंपनी में ओम पुरी की फिल्म आस्था, दूसरी फिल्म है फिलहाल फॉर द मोमेंट, और तीसरी फिल्म है जैकी श्रॉफ, अजय देवगन और अनिल, फिल्म लज्जा। आगे है कैप्टन कंपनी में, इसमें पहली फिल्म है राजेश खन्ना की थोड़ी सी बेवफाई, दूसरी फिल्म है धर्मेंद्र जी की बहुत ही शानदार फिल्म दिल ने फिर याद किया, और तीसरी फिल्म है राजेश खन्ना जी की बहुत ही सुपरहिट फिल्म अलग अलग। और आज की आखिरी मोजर बेर कंपनी में, इसमें तीनों ही राज खन्ना जी की फिल्में हैं, पहली है प्रेम बंधन, दूसरी है महबूब की मेहंदी, और तीसरी फिल्म है अमर प्रेम। तीनों ही बहुत ही सुपरहिट फिल्में हैं ये राजेश खन्ना जी की, और तीनों ही फिल्मों में एक से एक बढ़कर गीत थे। तो ये थी कुछ डीवीडी की कैस्टें जो आज आपने देखी। आशा करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।